गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ क्लास 7 होम साइंस क्लास एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5, यूज़ एंड यूटिलिटी ऑफ सीजनल एंड रीजनल फूड. इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो आप सब जानते होंगे. व्हाट अबाउट रीजनल फूड और सीजनल फूड्स क्या होते हैं? इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं सीजनल फूड जो कि एक पर्टिकुलर सीज़न में आते हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह हो गए, जैसे मैंगो का एक अपना सीज़न है. अभी आप देखो कस्टर्ड एप्पल खो गए शरीफा मार्केट में, उसका ये सीज़न है. तो ये कुछ हो गए सीजनल फूड. और रीजनल मतलब जो पर्टिकुलर एरियाज़ में होते हैं, दैट आर कॉल्ड रीजनल फूड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सीजनल फूड. डिफरेंट सीजन इन्फ्लुएंस डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. जैसे कि जितने भी डिफरेंट सीजन्स हैं वो सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं. उनका एक बहुत ही तगड़ा, मैं कह सकती हूँ, इन्फ्लुएंस होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे. ड्यूरिंग विंटर द पीपल प्रेफर पोटैटोज, पीज, कैरट, कॉलीफ्लावर, स्पाइनच, टर्निप, लीफी वेजिटेबल्स, एग, मीट एक्सेट्रा. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें लोग खाना पसंद करते हैं. दे ऑल्सो प्रेफर बेकिंग ब्रेड्स मेड ऑफ मेज एंड मिलेट्स. मक्के की रोटियाँ, बाजरे की रोटियाँ, ये सब चीज़ें बहुत बनती हैं. एंड ड्यूरिंग समर अ लॉट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्वीट. हेंस वी टेक लेमन जूस, फ्रूट जूस, जल जीरा एंड बटर मिल्क एक्सेट्रा. हम जूसेस वगैरह ज़्यादा गर्मियों में लेते हैं. क्यों? दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर. ड्यूरिंग समर द मार्केट बिकम्स फुल ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगोज, वाटरमेलन, मस्क मेलन, लॉन्ग कुकुम्बर, कुकुम्बर, टोमेटोज, लेटस फिंगर, गार्ड राउंड गार्ड, पम्पकिंग एक्सेट्रा. जितने भी जूसीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं गर्मियों में, वो सारे मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं. दस द फूड पेक्यूलियर टू अ सीजन इज नोन एज अ सीजनल फूड. एंड वॉट अ रीजनल फूड. द इनटेक ऑफ फूड डिपेंड अपॉन लोकल क्लाइमेट एंड जोग्राफिकल कंडीशंस. जैसा कि वहाँ का रहन सहन है, जोग्राफिकल कंडीशंस जो भी हैं, क्लाइमेटिक सीज़न वहाँ का जो भी है, एटमॉस्फेयर जो भी है, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें फूड होती हैं, दोज आर कॉल्ड रीजनल फूड. ठीक है. सो इनको हम कुछ 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ हिली रीजन, सेकेंड इज़ ईस्टर्न रीजन एंड थर्ड इज़ वेस्टर्न रीजन. तो हिली रीजन में क्या होता है, राइस इज़ प्रोफ्यूजली ग्रोन इन हिली एरियाज, हेंस इट इज़ देयर मेन डाइट. अब वहाँ अधिक होता है तो वहाँ के लोगों की मेन डाइट में शामिल होता है. ईस्टर्न रीजन में इंक्लूड जैसे बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेयर वीट एंड राइस ग्रोन इन ग्रेट क्वांटिटी. जहाँ पे गेहूं और चावल ग्रेट क्वांटिटी में ग्रो कराया जाता है. सम ऑफ दीज एरियाज आर कोस्टल वेयर फिशिंग इज़ ऑल्सो डन. हैं द पीपल प्रिफर टेकिंग राइस ब्रेड मेड ऑफ वीट एंड फिशेस. ये सब चीज़ें लोग खाना पसंद करते हैं. वेस्टर्न रीजन में क्या है, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, वेयर द लैंड इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ वीट एंड मेज, हैंस प्रिफर कंजप्शन वीट एंड मेज. सो वहाँ के लोग इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं. मक्के की रोटी आप सुनो पंजाब में अधिक खाया जाता है और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के एरिया में बहुत खाया जाता है. ठीक है. तो ये सब रीजनल फूड के अकॉर्डिंग लोग खाना पीना भी अपना खाते हैं. अब यूटिलिटी क्या है सीजनल एंड रीजनल फूड की, क्या इनकी खासियत है, क्या इनकी अच्छाइयाँ हैं. नंबर वन देख लो आप, ड्यूरिंग विंटर वी नीड एडिशनल कैलोरीज विच आर एडिक्वेंटली सप्लाइड बाय ग्रीन पीज, पोटैटोज, कॉलीफ्लावर्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ये सब हमें उन चीज़ों से मिलती है जो सर्दियों में आते हैं. फिर है आपका ड्यूरिंग समर वेजिटेबल्स लाइक गार्ड हो गया, राउंड गार्ड, कुकुम्बर, लॉन्ग कुकुम्बर मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. ये सब लिक्विड होते हैं, जूसी होते हैं, सो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं. दे ऑल्सो सप्लाई एक्स्ट्रा वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी. नंबर 3, सीजनल एंड रीजनल फूड आर नॉट कंटामिनेटेड. नंबर 4, सीजनल एंड रीजनल फूड आर चीपर इन देयर सीजन एंड रीजन, हेंस दे कैन बी अफोर्डेड बाय इवन बाय अ पुअरेस्ट
अब जिस जगह पे जो चीज़ होती है वहाँ पे वो चीज़ सस्ती मिलती है, ये तो आप सब जानते हो, ठीक है। तो वो जगह पे एक बात तो रीजनल फूड अपने रीजन में सस्ती होती है और सीजनल फूड अपने सीजन में सस्ता होता है, इसलिए गरीब से गरीब लोग भी उस चीज़ को खा पी सकते हैं। सीजनल एंड रीजनल फूड आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज विच हेल्प इन अवर डाइजेशन प्रोसेस एंड मेंटेनिंग बॉडीली टेम्परेचर। अब ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा रखते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी बना कर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। लास्ट यूटिलिटी क्या है इनकी? सीजनल एंड रीजनल फूड आर फ्रेश एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। जितने भी सीजनल या रीजनल फूड होते हैं उन सब के न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। सो दिस वॉज अ चैप्टर एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम्प्लीट इट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।